परना बना ले मेरी हीरी। मैं रहना है तेरा बन वारियां। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो आज के इस वीडियो में हम फ्लिप इफेक्ट लिरिकल स्टेटस बनाएंगे काइन मास्टर पर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो आपको काइन मास्टर ओपन करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर आपको रेशियो चूज करना है। तो मैं यहाँ पर 1:1 रेशियो चूज कर रहा हूँ। सो रेशियो चूज करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज के ऑप्शन पे जाके एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन को आपको सेट करना है, तो मैं यहाँ पर अबाउट 20 सेकेंड सेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो पे जाना है और अपना सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सर्च करके ऐड कर रहा हूँ। सो ऑडियो ऐड करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर ट्रिम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ फटाक से। सो अब हम यहाँ पर लिरिक्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको लेयर पर जाना है, स्टिकर के सेक्शन पे जाके आपको स्टोर पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप टेक्स्ट। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर एनिमेशन आ जाएगा, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पर स्टिकर के सेक्शन पर जाके यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप का एनिमेशन है, आप यहाँ पर कोई भी एनिमेशन को चूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर पहले तो सभी एनिमेशन को दिखा देता हूँ, तो कैसा कैसा एनिमेशन है यहाँ पर। आपको जो एनिमेशन अच्छा लगे आप वही चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको सभी टाइप का फ्लिप एनिमेशन मिलेगा, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन है, तो आप अगर चाहते हो तो मल्टीपल लिरिक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ये लास्ट दो एनिमेशन यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका लेंथ को इंक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज करने के बाद आपको आउट एनिमेशन पे जाना है और वहाँ पर फेड चूज कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर लिरिक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन हम इस बैकग्राउंड का डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन रख के सारी लाइन को यहाँ पर हाइड कर देंगे। तो अगर आप मल्टीपल लाइन लिरिक्स ऐड करना चाहते हो तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल लाइन ऐड करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस स्टिकर को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना लिरिक्स लिख देना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शन पर जाना है और अपना फॉन्ट को चूज कर लेना है। सो अब आपको यहाँ पर प्ले करके अपना लिरिक्स को एडजस्ट कर लेना है। तो जहाँ तक आपका लिरिक्स है उस पॉइंट पर आपको यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट पर आना है और यहाँ पर सेटिंग पर जाके आपको इसको एडिट करके यहाँ पर अपना दूसरा लिरिक्स को ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम फिर से इसको प्ले करेंगे और अपना लिरिक्स को यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। तो मेरा लिरिक्स जहाँ तक है उस पोजिशन पर मैं यहाँ पर स्प्लिट कर दूँगा। सो मेरा लिरिक्स यहाँ तक है, तो इस पोजीशन पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे और अपना यहाँ पर दूसरे लिरिक्स को ऐड करेंगे। तो आपको एक बार फॉन्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पर बार बार फॉन्ट चूज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लिरिक्स, इसको भी हम इस पोजिशन पर स्प्लिट कर देते हैं। अब हम रिमेनिंग पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेटिंग पर जाके अपना नेक्स्ट लिरिक्स को ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर इसका एनिमेशन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप रिप्लेस ऑप्शन पर जाके अपना एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। सो आप भी यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करके अपना सभी लिरिक्स को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं अब यहाँ पर स्किप करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप भी सिमिलर प्रोसेस से कर लेना। सो अब हम हमारा वीडियो को प्ले करके देखेंगे। अब आपको इस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आना है और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर उस एक्सपोर्टेड वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर
कैम मोशन क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पर चूज करना है। तो कैम मोशन पर आप यहाँ पर शेक और बाउंस इफेक्ट, यहाँ से कोई भी इफेक्ट को यहाँ पर चूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर शेक इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे थोड़ा यहाँ पर लिरिक्स पर एनिमेशन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस एनिमेशन को ऐड किया है। तो आप अगर चाहते हो तो इस पार्ट को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। सो वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से बैक आना है और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड इमेज को चूज कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर पैन एंड जूम के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। अब हम बैक आएंगे और यहाँ पर बिगनर ऑप्शन को इनेबल करेंगे और क्लिप ग्राफिक्स पर जाकर यहाँ पर मैं यहाँ पर बाउंस इफेक्ट को चूज कर लूँगा अब। सो क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर स्टोर पे जा सकते हो और यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। सो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर बैक आएंगे। सो अब हम यहाँ पर एक ओवरले ऐड करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे जाना है और मीडिया पे जाके इस ओवरले को ऐड कर देना है। सो इस ओवरले का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर इसको बड़ा करना है और स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। सो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आपको स्क्रीन चूज करना है। सो अब हम यहाँ पर अपना रिलीज को ऐड करेंगे। इसके लिए आपको लेयर पे जाना है और मीडिया के ऑप्शन पे जाके उस एक्सपोर्टेड रिलीज को इंपोर्ट कर लेना है। सो अब हम इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है और फिर से यहाँ पर स्क्रीन चूज कर लेना है। तो हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। सो आप भी यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके अपना क्लिप इफेक्ट लिरिकल स्टेटस काइन मास्टर पर क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर भी यहाँ पर पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप और एडिटिंग सीखना है तो आप ये मेरा राइट वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट एनिमेशन और लिरिकल स्टेटस का वीडियो मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।